좋은 거죠, 야채수. मैं सारी आंटियों को बताना चाहूंगी कि मैं भी आपके जैसी एक आंटी ही हूँ. और क्या है ना कि आजकल जब मैं रात को डिनर टेबल पे बैठती हूँ, खाने पे बैठती हूँ, तो बड़ी तकलीफ हो गई है मुझे. क्योंकि पहले जब हम खाना खाने बैठते थे तो हम ज़ाफ़रानी पुलाव खाते थे, थोड़ी सीख कबाब खाते थे, मोहल्ले की गॉसिप करते थे. पर आजकल तो लोगों को मेरे मटन रान से ज़्यादा राजनीति की पड़ी हुई है ना, यही चल रहा है आजकल. पहले गॉसिप होती थी, थोड़ी थोड़ी गप लगती थी कि ये जो शर्मा जी का बेटा है ना, वो रोज़ शाम को 5 बजे अपनी बालकनी में लड़कियों को देख के ततर 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 करता है, ऐसी होती थी ना गप. या फिर जो शर्मा जी की बेटी है वो अपना ब्लाउज सिलवाने गई, वही ब्लाउज जिसकी फिटिंग एकदम बीच में आके बैठती है, वो वाला ब्लाउज. और फिर उसने टेलर के साथ अपना नाप देते देते टेलर के साथ प्यार में पड़ गई और भाग गई. ऐसा ऐसी कब होती थी ना, सिलाई की मशीन इंच टेप लेकर भाग गई. पर आजकल क्या गप चल रही है, आजकल चल रही है कि शर्मा जी की बेटी ने JNU में औरों की बेटियों को पीट दिया, ये बन गई है अब शर्मा जी की बेटी. या शर्मा जी के बेटे ने जामिया में किसी के ऊपर मजे मजे में चोर सिपाही करते हुए गोली चला दी. इससे अच्छा तो शर्मा जी का बेटा शाम को 5 बजे ततर 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 ही कर लेता है ना, ये गोलियां कहां से आ गई. कोई समझाए शर्मा जी के बेटे को कि गोलियां गोलियों से बात नहीं होती, आंटियों से सीखे. आंटियों के पास सबसे बड़ा हथियार है किस चीज का, बेइज्जती का, शब्दों का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे यही बड़ा हथियार है. क्या होता है ना कि जब कोई भी बिन बियाई लड़की या लड़का रात को बैठा होता है या सो उसको नींद नहीं आ रही होती, तो स्वयं भगवान आके बोलते हैं कि सो जा, वरना आंटी आके ऐसी बेइज्जती करेंगी कि तुम अपनी मम्मी के गरारे में भी नहीं छुप पाओगे, है ना. तो सबसे बड़ा हथियार किसके पास है, आंटियों के पास सबसे बड़ा हथियार. भगवान भी बोलते हैं कि दुनिया बनाई मैंने है पर हिला आंटियां देती हैं सारी, चाहे वो दादी हो, नानी हो, किसी की चाची हो, वो हिला देती है. वो हमसे कहते हैं कागज दिखाओ, यही बोल रहे हैं ना, कागज दिखाओ. भाई जब आज तक हम आंटियों ने अपने मियां को घर के हिसाब के कागज नहीं दिखाए तो हम बाप के कागज दिखाएंगे, हमसे मांगते हो कागज आंटियों से. क्या है ना बेइज्जती का क्या हिसाब है, पहले आंटियां टिप्पणी करेंगी, बेइज्जती करेंगी, फिर आप रोएंगे. आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे. पता है मुझे वो दिन याद आते हैं जब लोग कहते थे हमें आंटियों से आजादी चाहिए, भाई आंटी हम पे बड़ा कुछ बोलती हैं कि ऐसी लड़की वैसी लड़की. पर जब आंटियां भी आजादी मांगने लग जाएं तो इसका मतलब है कि देश का तो फिर सत्यानाश हो ही गया है ना. तो फिर मैं कुछ बोलूंगी और आप फिर आगे से आजादी बोलना, ठीक है, मस्ती वाली आजादी. ओके, तो गोलगप्पे वाली आजादी, चटपटी गॉसिप वाली आजादी, बेइज्जती करने वाली आजादी, शब्दों वाली आजादी, कागज ना दिखाने वाली आजादी, मियां जी को पागल बनाने वाली आजादी, गरारे वाली आजादी, शरारे वाली आजादी, हर आंटी के लिए गप मारने वाली आजादी. बस अब जाऊंगी और एक गाना गा के जाऊंगी, एक गाना. NRC हटाने की जिद तो करो, ये हटाने की जिद तो करो, यूं ही प्रोटेस्टों में बैठे रहो, यूं प्रोटेस्टों में बैठे रहो. बिरयानी तो पास करो यार. मैं
सबकी हिम्मत का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने दिन से कर रहे हैं। बस हम करते रहेंगे और बिल्कुल बिल्कुल हिंसा के बगैर करेंगे। हम सब आपके साथ हैं और मैं खुद सिख हूँ तो मैं यहाँ पर आई हूँ आपको अपना सपोर्ट देने के लिए। आप जैसा कोई नहीं है।